सारे अरमानों पर जैसे पानी फेर दिया हो। मामला यमुनानगर के गांव परवालों का है। यहां दहेज को लेकर उत्तर प्रदेश के बागपत से आने वाली बारात को लड़की पक्ष के लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। दरअसल बागपत से शादी रचाने के लिए मंगल सिंह अपने बरातियों के साथ यमुनानगर के गांव परवालों आ रहा था। यहां आने से पहले ही बीच में रुकावट बन गई मोटरसाइकिल। बस फिर क्या था, जब तक लड़की पक्ष ने मोटरसाइकिल के लिए हाँ नहीं कही, तब तक लड़के वालों ने बारात आगे नहीं बढ़ाई। पहले ही बारात को पहुंचने में 12 घंटे की देरी हो चुकी थी। लड़की पक्ष की और बेइज्जती ना हो, इसके लिए लड़की के रिश्तेदारों ने लड़के पक्ष के लोगों को मोटरसाइकिल देने का लालच देकर जैसे तैसे यमुनानगर बुला लिया। लेकिन यहाँ पहुँचने पर लड़की ने दहेज लोभी लड़के के साथ घेरे लेने से साफ इनकार कर दिया। यही नहीं, लड़की पक्ष के लोगों ने लड़के के परिजनों को खूब खरी खोटी सुनाई। मोटरसाइकिल चाहिए, चलो भाई हम मोटरसाइकिल में इंतजाम करेंगे, और तुम बरात लेके तो जी। उस टाइम लोग बरात नहीं पहुँची थी, हमने तो जो अपने से दान करना जी। बरात बरात कब आ रही थी और कब? बरात तो 10 बजे का टाइम था जी। सवेरे का शाम का? सवेरे का जी। उसके बाद ने आए नहीं आए जी। नहीं जी, मोटरसाइकिल हमने कुछ नहीं मांगी जी। क्या मांगा था? कुछ भी नहीं मांगा जी हमने तो। लेट क्यों हुई बरात? मासिक जी हमें मंडपा आना था जी, उसमें लेट हो गए थे थोड़े से। शादी डेट भूल गए थे? हाँ जी। हाथों में मेहंदी लगाए लड़की अपने सपनों के राजा के आने का इंतजार तो कर रही थी, लेकिन अब उससे शादी से इनकार करने के बाद लड़के वालों के चेहरों के रंग उड़ गए। इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच जमकर बहस हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। आखिर में पुलिस को लिख कर दिया कि अब लड़की के घर से मोटरसाइकिल तो छोड़िए, पानी का एक ग्लास भी वो नहीं लेंगे। इस बात पर राजी होने के बाद मामला शांत हुआ। ऐसा क्या मामला था कि बरात सुबह आनी थी? रात के 8 से ऊपर टाइम हो गया पानी तो थी सुबह ही, और वो तो कहना हुआ तारीख पाद की हुआ कल की है तारीख, जो हम हमारे मालिक का बच्चे पे अपने देवराज का बच्चा जहाँ पर ये इनकी शादी थी, इनकी बरात आई तो उस बरात में ना इनकी आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, तो अब इनका आपस में बैठ कर। बहरहाल ये मामला तो जैसे तैसे खत्म हो गया, लेकिन ये एक उदाहरण है उन लोगों के लिए जो दहेज के लालच में पहले शादियां करते हैं और फिर लड़कियों को शादी के बाद प्रताड़ित करते हैं। हरियाणा न्यूज के लिए यमुनानगर से सुमित ओबराय की रिपोर्ट।